नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मुचरमई प्रथमे हेडलाइंस डराउछि कोरोनार नुआ स्ट्रेन पांचटि राज्य को लॉकडाउन फेरबा परे राज्य रे सतर्क घंटी भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे टेस्टिंग आरंभ सपटे मार्च पहिला रो वरिष्ठंकु दिया जुको टीका राज्य सरकार को हाईकोर्ट को भर्सना सामाजिक आर्थिक पछुआ वर्ग को चाकरी रे संरक्षण को नहीं कले प्रश्न मुख्य शासन सचिव विभाग सचिव जवाब दाखल पाई निर्देश छत्तीसगढ़ नारायणपुर में माओवादी उन्मुक्त कांड गुली विनिमय और आईडी विस्फोरण में दुई जवान सहित जने गुरुतर को रायपुर को स्थानांतर कंबिंग ऑपरेशन बेले होते अतर्कित गुड़चाला आज तमिलनाडु और पुडुचेरी गस्त करेंगे प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन सह करेंगे शिलान्यास तमिलनाडु में नवेली विद्युत परियोजना को देश करेंगे उत्सर्ग बाजपुर दीप्तिकांत हत्या घटना दीर्घ वर्ष पर भी नो आक्शन मंत्री प्रताप जेना गाड़ी आगे आत्महत्या करने को मृतकों भाई चेतावनी राज्यपाल समेत गृह सचिव जिलापाल एसपी को चिट्ठी नवरंगपुर तीन क्विंटाल 17 किलो गंजे जबत कंटेनर में जयपुर बिहार चालाण होता सबुज जहर दुई अभियुक्त गिरफ कमिला शीत बढ़ुछि ताती राज्य विभिन्न स्थान में गरम अनुभूत भुवनेश्वर सर्वाधिक 38 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड आगक हिटवेव नहीं सबु जिलापा एसआरसी सतर्क चिठी शेषर कोविड कटका भितर जोरंदा मेला आरंभ दोली अपेरा समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारण मास्क पिंधा सामाजिक दूरता रक्षा उपर गुरुत्व तर संपूर्ण खबर आज विमान बंदर रे आरंभ है टेस्टिंग कैंप बाहर राज्य आसुवा लोकमान स्क्रीनिंग जदि से किसी लक्षण आसे तबे टेस्टिंग बाध्यतामूलक एने सूचना देखते बीएमसी कमिश्नर से कहते वर्तमान कौन पॉजिटिव संख्या रे वृद्धि होना पूर्व मस भॉजिट संख्या आसू एवं सतर्कता पदक्षेप एनफोर्समेंट कार्यक्रम वृद्धि करा टेस्टिंग संख्या बढ़ावापी आम चेष्टा करूँ जो अंचल बाहर पजिट से अंचल अधिक संख्यार टेस्टिंग करने को चेष्टा करूँमसी कमिशनर कहते तेज ए संपर्कित अधिक सूचना सहित सीधासख जोड़ी होती एयरपोर्ट रम प्रतिनिधि चिन्मय साहू जोड़ी होती चिन्मय वर्तमान एयरपोर्ट रित्र कौन आसूँ जहाँ सूचना रही एयरपोर्ट में वर्तमान टेस्टिंग करा जदि बाहर कई आसुचान वर्तमान टेस्टिंग करा जेहेतु कोरोनार नुआ स्ट्रेन आसी ए राज्य पूरा वर्तमान प्रस्तुत हो सारा कौन चित्र आस हाँ निहाती भाव में चिन्मय एबे नुआ रूप से नुआ रूप से कोरोना आसुचे जहाँ को लेकिन एबे एयरपोर्ट रे जदि देखिबा स्क्रीनिंग व्यवस्था करा जाइछि महाराष्ट्र केरल समेत पांचोटी राज्य रे एबे नुआ स्ट्रेन चिन्हट होइछि जहाँ को लेकिन कोरोनार नुआ स्ट्रेन को मुकाबला पे ओडिसा रे तार पूर्व प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि आमे बे छु राजधानी रो बिजु पटनायक अंतर्जातिक विमान बंदर रे जोठी कि कोरोना कटकणा को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने बाध्यतामूलक करा जाइछि सामाजिक दूरता एवं मास्क को पूरा मास्क चेकिंग उपर गुरुत्वारोप करा जाएछि ता सहित विमान बंदर दुईटी जाक टर्मिनाल थर्मल स्कैनिंग सह थर्मल स्कैनिंग को बाध्यतामूलक कर दि जाएछि तो मु मोर वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत को कहबी से देखौथिबे कोभली भाव में प्रथम मास्क सानिटाइजर को दि जाऊछि ताक सहित लगेज को मध्य स्कैन कर दि जाऊछि विमान बंदर दुईटी जाक जो टर्मिनाल थर्मल स्कैनिंग सहित लगेज स्कैनिंग को गुरुत्व दि जाऊँगी विमान बंदर में त्रिस्तरीय चेकिंग को कड़ाकड़ी करा सहित यात्री मानकर जो रही यात्री मानक थर्मल स्कैनिंग एवं तांकर जो जिनस गुड़िकर अच्छी लगेज गुड़ को स्कैनिंग करा सहित पड़ोसी राज्य में जदि देखा तो कोरोना संक्रमण वृद्धि को लेकिन प्रशासन स्तर में बहुत तत्परता जमापड़ी पखापाखि दुई दिन तले या गुरुत्व देकि एसआरसी पक्षर समस्त जिलापा चिठी लिखा जाता तो आज आरंभ होमान बंदर स्कानिंग आज
मध्य बीएमसी कमिशनर कहिसेंति या परे से रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड रे मध्य निश्चित भाबरे चिन्मय किंतु या भितरे जदियो जानबा जो सूचना आसी पहुचिला जे वर्तमान टेस्टिंग कैंप करा जाइछि जदी जो मानकर स्कैनिंग करा जाउछि बा थर्मल स्क्रीनिंग होउछि जदी समिति किछि लक्षण देखा जाय बा टेंपरेचर अधिक थाय से मानकर टेस्टिंग बाध्यतामूलक वर्तमान सुधा कहार टेस्टिंग करा गलानि कि से भले लक्षण काटी देखा गलानि कि एवं देखिबा को चाहिबा वर्तमान टेस्टिंग कैंप रो मध्य दृश्य हाँ तो निहाते भाव में एंट्री पॉइंट रे केवल थर्मल स्कैनिंग करिया को गुरुत्व दिया जाउछि आउ भितर को तो छड़ा जाउनी सेथि पई आमे देखे पानु तो ए बाहर जो बारे एंट्री करूछन्ती बा एंट्री पॉइंट रे भितर को जाउछन्ती सेहिठ केवल थर्मल स्कैनिंग करा जाउछि एवं सेमन को सैनिटाइजर दिया जाउछि एवं तांको लगेज गुड़ी को सैनिटाइज कर दिया जाउछि आपण देखि पड़त भाव रे चिन्मई जो दृश्य आपण देखौतिले जे वास्तविक भाव रे जदी आमो मानन को मध्य जीवा पई संभव पर नुहे ताले कोठिना कोठी सब जिंस को कडाकडी करा जाइछि एवं जो माने केवल यात्री आसुछंती समानकरो सेठी स्क्रीनिंग करा जो छि जदि सेबले किछि लक्षण आसे जो मानकर टेंपरेचर नॉर्मल टेंपरेचर टू अधिक रहितबो ताले तांकू टेस्टिंग मध्ये बाध्यतामूलक करा जिवो बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपनकर समस्त दृश्य पई असे परवर्ती खबर को सेपटे स्वास्थ्य कर्मी और सम्मुख योद्धा टीकाकरण पर एवं वयस्क मान टीका मार्च पहलू वयस्कों टीका देवा केन्द्र सरकार निष्पत्ति नेबा परे राज्य सरकार एथिपाई अंटा भिड़ी एने बुधवार समस्त जिलापाल एवं महानगर निगम कमिश्नर मान चिठी लिखिंट स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र स्वास्थ्य विभाग चिठी अनुसार राज्य में अधिक संख्यक वयस्क टीकाकरण टीका केन्द्रगुड़ी प्रस्तुत कर सरकार कहते सप्ताह पांच दिन टीकाकरण व्यवस्था सप्ताह पांच दिन टीकाकरण व्यवस्था नहीं एथिपाई राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल कॉलेज आदि को प्रस्तुत रहा निर्देश दिया दि जाए फेब्रुआरी 28 सुधा टीकाकरण संक्रांत तो समस्त कार्य शेष करने को कह राज्य सरकार को हाईकोर्ट को भर्त्सना सामाजिक आर्थिक और पछुआ वर्गों पर सरकारी चाकरी में कौन संरक्षण रही पारिबो नाही बोली कोर्ट को निर्देश पर भी राज्य सरकार से चाकरी में संरक्षण देउछन्ते जहां कोर्ट को निर्देश उल्लंघन तबे कोर्ट निज आड़ अदालत अवमानना मामला रुजू करी मुख्य शासन सचिव साधारण प्रशासन विभाग सचिव अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग सचिव को जवाब दाखल पर निर्देश देते हाईकोर्ट विचारपति कुमारी जस्टिस संजू पंडा और विचारपति जस्टिस एसके पाणिग्राही को नहीं गठित खंडपीठ यह निर्देश देते अदालत को यह मामलें परिचालना सहयोग पर तीन जन वरिष्ठ आईनजीवी को आमिकस क्यूरी भावे नियुक्ति करा जाए छे कोलकाता रे बीजेपी रो सोनार बंगला कैंपेन तबे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को संबोधन ऊपर वर्तमान सीधा सड़क नजर पकाबा जाती है वो बंगाल के नाम से जानी जाती है उसकी आइडेंटिफिकेशन बंगाल के साथ होती है और बंगाल उससे वंचित रह जाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सुझाव भी आए और बंगाल रिलीजियस टूरिज्म में भी आगे बढ़े इसी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप देखिए चाय के बागान आप बताइए दुनिया में चाय के बगानों के दृष्टि से हम लोगों ने सारी चीजों को देखा है कि नहीं देखा है और हमारा नाम है कि नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है हमको सुझाव चाहिए चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती है 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में 1000 करोड़ रुपए सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे इसकी भी हमको सुझाव चाहिए यह भी हमको चिंता करने की जरूरत है
कैसे टोलाबाजी से बचे इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए। और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है, उसको कट आप ही करेंगे, इस बात का भी हमको सुझाव चाहिए होगा, ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप देखिए, अगर स्वच्छ भारत अभियान हमने लागू किया तो लोग हंसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मित्रों, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट सिक्स इयर्स। 11 करोड़ 11 करोड़ टॉयलेट्स बने और वेस्ट बंगाल में 1.4 करोड़ बने। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टॉयलेट्स? नंबर वन, इट इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आप सोचिए, हमारी बहनों को गांव में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी। आप बताइए, 1 करोड़ 40 लाख टॉयलेट्स वेस्ट बंगाल में बने, 11 करोड़ देश में बने, और 11 करोड़ में अगर 1 करोड़ 40 लाख बंगाल का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा था। 1 करोड़ 40 लाख घरों में टॉयलेट बना है तो 1 करोड़ 40 लाख घरों की महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, इस बात को हमको समझना चाहिए। सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण हुआ। दूसरी बात, बीमारी, डायरिया कम हो रहा है, हैजा कम हो रहा है, क्योंकि खुले में शौच जाने के कारण वही पानी हमको मिलता था और वही पानी पीते थे और हैजा और डायरिया होता था। आज हम हेल्थ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर पाए। उसी तरीके से जनधन योजना, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अकाउंट खोलो, जनधन खाता खोलो, तो क्या कहा? जनधन खाता खुलवा रहे हैं। आज 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है और बंगाल में 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने जनधन खाता खोला है। और कोरोना के दौरान महिलाओं को 500-500 रुपए 3 महीने के लिए लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डिस्बर्समेंट करके डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया। 20 करोड़ वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड, इस बात को हमको समझना चाहिए, ये छोटी घटना नहीं है। और बंगाल में 1 करोड़ 52 लाख यानी रीचिंग 2 करोड़, 40 करोड़ में 2 करोड़ बंगाल के लोग हैं। उसी तरीके से हमारे लगभग 68 लाख लोगों को गैस का चूल्हा मिला। अब ये गैस का चूल्हा कुल मिलाकर के 8 करोड़ बांटा गया और 8 करोड़ में 78 लाख बंगाल के लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा बंगाल का हिस्सा है। और ये चूल्हा जलाना, मैं इसको सिर्फ चूल्हा जलाना नहीं मानता, मैं महिलाओं का सशक्तिकरण मानता हूं, क्योंकि जब वो लकड़ी जला करके चूल्हा जलाती थी तो 200 सिगरेट का धुआं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने फेफड़ों में लेती थी, पल्मोनरी डिजीज होती थी। आज वो गैस का चूल्हा उनको मिला है, 78 लाख परिवारों को मिला है। 5 मिनट में वो हर एक तरीके का भोजन प्रिपेयर कर सकती हैं और वो धुआं से मुक्त हो गई हैं। हेल्थ इश्यू हैज बीन एड्रेस्ड एंड इट इज एन वुमेन एम्पावरमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप बताइए, यहां लगभग 2 करोड़ 60 लाख ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी और बंगाल के अंदर लगभग 7 लाख 32 हजार ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं आपसे सुझाव चाहूंगा कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एम्पावरमेंट ऑफ द फैमिली। वो टेलीविजन देख सकता है, वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकता है। इस तरीके की योजनाओं को हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसमें हम सबको मालूम है कि यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कितना बड़ा विकास का योजना बनने वाली है। उसी तरीके से नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश के सड़कों को जोड़ने के लिए 721 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था की गई है। अम्फान में 2,708 करोड़ रुपए दिए गए। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि हाई कोर्ट कहती है ऑडिट करा के दो
और हमारी ममता जी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं ऑडिट होबे ना होबे ना होबे ना। ममता जी ऐ तो डर कहनो, ऐ तो भय कहनो, किस बात का भय है, किस बात का डर है? ये सब पर मुझे सुझाव चाहिए। ये अम्फान का पैसा, मोदी जी पैसा नहीं देते, मोदी जी पैसा दे दिया हमेशा देते हैं, ममता जी वो जमीन पर लगता नहीं है, खर्च होता नहीं है, क्यों नहीं होता है खर्च, कहां जाता है? राशन दिया 80 करोड़ की जनता को पूरे मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी। कहां मिला ये अनाज? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में। हमी सत्ती बोलचे कि नहीं, हमी सत्ती बोलचे कि नहीं? ये टीएमसी के घर में अनाज क्या कर रहा था? फिर बोलते अनाज दिया नहीं, आया नहीं, लिया नहीं। अरे सब डकार गए और फिर बोला लिया नहीं, क्या है मतलब? इसलिए मुझे इस पर भी सुझाव चाहिए कि कैसे जनता को जो अनाज प्रधानमंत्री जी भेजे वो जनता को कैसे मिल सके, इस बात को हमको सोचना चाहिए। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जी हल्दिया आए थे, 4,700 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए। उसी तरीके से 22 फरवरी को हुगली आए थे, 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सैंक्शन किया है। ये सारी चीज़ें धरती पर लगने वाली हैं। और कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक की रोड 25,000 करोड़ रुपए इस बार की बजट में निर्मला जी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसको हमको सोचना चाहिए। खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा के लिए ईस्ट कॉरिडोर और उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर और दानकुनी तक जो बनाने का योजना है उसको भी, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। मित्रों, मैं आपसे इन सारी चीज़ों की चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करना चाहती है, बंगाल के विकास। लखो की लखो सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला के लिए आपने के हमको सजेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका सुझाव चाहिए, सुझाव चाहिए, वो आप सुझाव दीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारी LED वैन्स ये भी डिजिटली सुझाव लेंगी, पेटी में भी सुझाव डालेंगे, ऐसी पेटियां 30,000 बनेंगी और ये 30,000 में से 100 हर पर कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगी, 50 स्थानों पर रखी जाएंगी और 50 घर घर जाकर के सुझाव लेंगे। हम बंगाल को समावेश करके चलना चाहते हैं और उसकी शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी बंगाल यूनिट को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी व्यापक योजना बनाई है और ये व्यापक योजना जरूर काम आएगी। अभी ये देखो, आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, जल जीवन मिशन लेकर के चले हुए, जल मिशन लेकर के चले हुए, और एक तरफ बहनों को घंटों गलियों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। आज आजादी के इतने सालों बाद हम मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं, ये कैसा देश बना है? ये विकास की चीजें वहां पहुंच नहीं रही, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। और मित्रों, आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा, मैं फिर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकार मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका बहुत योगदान हमें चाहिए। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना है। गोलाबाजी, कटमनी, तुष्टिकरण, इसका बंगाल देखना है। और इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ, आप सब ने मेरी बात सुनी है, मैं भी अपने सुझाव इसी में डालने वाला हूँ, उसकी श्री गणेश इसी के साथ करूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। तो समय सर छ बुलेटिन को इठ रखु, नमस्कार।